क्या भारत के पीएम मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे तो खास नजरें हम बनाए हुए रखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरे एक ऐतिहासिक घटना है जो न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा के बाद कीव में कदम रखा और उनका यह जो दौरा है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा दौरा है। तो आइए आपको एक दिलचस्प घटनाक्रम के बारे में बताते हैं जिसने पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर केंद्रित कर दी हैं। नमस्कार, मैं मोनिका हूँ आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो उनका स्वागत शानदार था। भारतीय समुदाय ने तिरंगे लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच हुई गर्मजोशी से भरी मुलाकात ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान एक दृश्य बेहद खास रहा, जहां पर जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की को हिम्मत दी और यूक्रेन की तबाह तस्वीरों को देखा। यह दृश्य खुद में एक संदेश था कि भारत और उसके नेतृत्व के लिए शांति और समर्थन की भावना को दर्शाता है। पीएम मोदी ने यह साफ किया कि युद्ध कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं है और यही कारण है कि उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। न केवल मुलाकातें बल्कि पीएम मोदी की यह यात्रा कई मुद्दों पर चर्चा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और जेलेंस्की ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर विस्तृत चर्चा की और यह उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संदेश और सुझाव लेकर आएंगे। क्या यह दौरा रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति और दिशा का एक कदम साबित होगा? हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात का स्थान गुप्त रखा गया है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह यात्रा दोनों देशों के ही बीच सहयोग और समझौतों का एक नया दिशा दे सकती है। भारतीय समुदाय और पूरे विश्व को इस दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। यह दौरा न केवल ही भारत की कूटनीतिक नीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है बल्कि यह विश्व शांति की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। इस बीच पीएम मोदी की कीव में अपने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी यह जो यात्रा है भारत और यूक्रेन के बीच एक नई दोस्ती और सहयोग की शुरुआत का संकेत दे सकती है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या पीएम मोदी के इस दौरे से संघर्ष की जटिलता में कोई हल निकल पाएगा? क्या यह यात्रा शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस दौरे पे क्या प्रभाव होगा। खैर, आपको इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।